हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के संबंध में नियम डेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में लगभग जो है आपके 1431 पोस्ट जो आपके यहाँ पर आए हुए थे एलटी शिक्षक, जिसमें आपको अलग अलग पोस्ट देखने को मिले थी, इन पर जो है रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर आर्ट का है, आर्ट का तो रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है, और वहीं हिंदी का जो है काउंसलिंग प्रक्रिया क्यों अभी तक रोकी गई है इसके संबंध में हम बात करेंगे। वहीं यहाँ पर कला अभ्यार्थियों की जो यहाँ पर हियरिंग है वो कब तक होगी, क्यों इसका यहाँ पर पेंडिंग में अभी भी रिजल्ट रखा गया है, क्यों यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट जारी नहीं हो रखा, कब तक यहाँ पर होने की चांसेस है, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है आयोग से पूछने के बाद से है यहाँ पर पता चला है कि जो आपका हिंदी वाले अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर देखिए इस पर जो है किसी अभ्यर्थी के द्वारा यहाँ कोर्ट केस दायर कर रखा है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपका जो हिंदी वालों का काउंसलिंग है वो रुका गया है। अब बात करें यहाँ पर काउंसलिंग में कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर रोका गया है, तो देखिए दोस्तों, काउंसलिंग में जो है फाइनल आपका जो है रिजल्ट घोषित होना है, और इससे पहले जो है यहाँ पर हिंदी की जो आंसर की है उस पर जो है गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर केस जो है कोर्ट में केस दायर किया हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपकी जो काउंसलिंग है हिंदी वालों की वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है लंबित हो सकता है, इनकी कुछ टाइम समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब तक स्पष्ट यहाँ पर नहीं हो जाएगा आयोग के आंसर की को लेकर, तो तब तक जो है थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसका रिजल्ट को लेकर, जो फाइनल आपका काउंसलिंग होनी है, ठीक है, फाइनल जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर जो है इनका आंसर की को लेकर जो है अभी विवादित हुआ है, तो इसी वजह से आयोग ने यहाँ पर अभी पेंडिंग में डाल रखा है, क्योंकि आयोग को कई लोगों ने प्रत्यावेदन करे थे, और प्रत्यावेदन हालांकि यहाँ पर आयोग ने कहा था कि रिजल्ट में ऊपर नीचे हो रखा है तो प्रत्यावेदन कर सकते हैं, आंसर की को लेकर कोई प्रत्यावेदन करने के लिए आयोग ने स्पष्ट मना किया था, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पर आंसर गलत होने की वजह से कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट पहुँचे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर हियरिंग करी थी, आपकी जो कोर्ट में केस फाइल किया था, तो इसी वजह से रोक लगाई गई है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर आर्ट को लेकर, तो आर्ट की जो यहाँ पर रोका गया है वो आपकी कोर्ट में ही फैसला है, और इसका यहाँ पर जो है हियरिंग होनी है जल्द, ठीक है, और इसी मंथ के, ठीक है, इसी मंथ के जो है लास्ट लास्ट तक जो है इसकी हियरिंग होनी है, हो सके कि यहाँ पर जो फाइनल हियरिंग हो जाए, ठीक है। अब कितना वक्त लगता है, क्या लगता है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट की हियरिंग है, थोड़ा सा लंबा समय भी लग सकता है, कम भी समय लग सकता है, तो हियरिंग पे बात है वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आज से जो है अदालतों में जो भौतिक रूप से यहाँ पर सुनवाई है वो चालू हो चुका है, और जल्दी जो है आपको इसी मंथ जो है इंस की, ठीक है, 21 फरवरी के बाद से यहाँ पर जो है इसी मंथ बताया गया है, लास्ट 28 से पहले पहले हो सकता है कि यहाँ पर जो है आर्ट कला वालों के साथ साथ यहाँ पर जो है हिंदी वालों का भी निपटारा कर दिया जाए, और इसी मंथ में जो है हो सकता है कि यहाँ पर इनकी हियरिंग हो जाए, ठीक है। अभी डेट कन्फर्म नहीं है, इसी मंथ यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कन्फर्म नहीं कि 28 को होगा 27 को होगा, ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसी मंथ के लास्ट लास्ट में हो सकता है कि यहाँ पर हियरिंग हो, बाद में भी हो सकती है, अभी डेट नहीं आ रखी है, हियरिंग कभी भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है जल्द हियरिंग हो सकती है इसकी, ठीक है। और उसी के बाद जो है आपका जो काउंसलिंग की लिस्ट है हिंदी वालों की और यहाँ पर आर्ट वालों का जो यहाँ पर रिजल्ट है वो आपको मिल सकता है, ठीक है। और आयोग का कहना यह है कि आर्ट वालों का जो रिजल्ट है वो लगभग हमारा कंप्लीट है पूरी तरीके से, बस यहाँ पर जो है आदेश का इंतजार है, आयोग का कहना यह है कि रिजल्ट घोषित करने के जो आदेश है कोर्ट से आ जाए तो उसके बाद हम तुरंत यहाँ पर जो है रिजल्ट घोषित कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेम हिंदी वालों का यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो है फाइनल जो है आंसर की को लेकर जो यहाँ पर विवाद चला हुआ है उसकी हियरिंग के बाद से यहाँ पर इनकी जो काउंसलिंग है तुरंत आपकी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा आपका दिक्कत हो सकता है, बस बाकी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बाकी आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा, और थोड़ा सा वक्त कह सकते हैं, क्योंकि अब देखो कोर्ट की सुनवाई का कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि कितना समय लगाए, क्या पक्ष रखे, क्या दलीलें हों, तो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर सुनवाई जो है जल्द होने वाली है, आई होप कि जल्दी यहाँ पर इसकी सुनवाई फाइनल ही हो जाए, ठीक है। कंफर्म नहीं कि फाइनल सुनवाई होगी नहीं होगी, लेकिन वो यहाँ पर जो है उम्मीद करो कि यहाँ पर जो है फाइनल सुनवाई हो जाए, ताकि यहाँ पर आपका जल्द से जल्द आपका हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोर्ट केस में लंबित भी हो जाते कभी कभी मामले, तो इसी वजह से यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लगता है, जैसी अपडेट आती है इसकी नेक्स्ट हियरिंग को लेकर हम आपको सूचित कर देंगे। बने रहे हमारे चैनल में, अगर सब्सक्राइब कर प्लीज़ कर लेना, साथ में घंटी वाले आइकन प्रेस करना, इससे जो अपडेट मिलते रहेंगे।